हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओमी तरह आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पोल्ट्री नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्त, आज मेरा पोल्ट्री का 22वां दिन चल रहा है। तो 22वां दिन में क्या मेडिसिन मैं यूज़ कर रहा हूँ और क्या मैनेजमेंट कर रहा हूँ ये बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्त, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके वीडियो बनाने में थोड़ा सा मदद मिले। तो दोस्त, आज मेरा पोल्ट्री का 22वां दिन जैसा ही चल रहा है, तो 22वां दिन में मैं क्या करना स्टार्ट कर दिया, अब देख सकते हैं कि फीडर में मैं भर के फीड नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा कम करके दे रहा हूँ। कम करके फीड देने से फीड थोड़ा ज़्यादा वो इंटेक करता है। तो हम लोगों को पता है कि फीड जितना इंटेक करेगा उतना ही हम लोगों को फायदा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फीडर के पास सब फीड इंटेक करने में व्यस्त है और फीडर भी खाली है, ठीक है। और दूसरा वाला बात बोल देता हूँ कि वाटर का जो मैं लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि जिनका ऊपर रहने से चीज जो है वो पानी ज़्यादा पीता है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये जिनकर जो है इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, एकदम मतलब नीचे नहीं रखा। और ऐसा भी ऊपर नहीं करना चाहिए उसका, जा जाके पहुँच ना पाए, ठीक है। और तीसरा वाला बात बोल देता हूँ, अभी मैं एक मेडिसिन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वो है, कल मैं एक चीज का पोस्टमार्टम किया था, तो मैंने देखा पोस्टमार्टम करने के बाद उसका जो लीवर है थोड़ा छोटा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। मैंने एक साइड का छोटा और एक साइड का बड़ा हो जा रहा है। तो इससे हम लोगों को अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये बाद में आएगा, मतलब 30 दिन के बाद मोर्टेलिटी बढ़ सकता है, उसका जो एवरेज ग्रोथ है वो थोड़ा सा घट सकता है। तो इसलिए मैं ये मेडिसिन दे रहा हूँ, मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिया। आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये टॉक्सोल बोल के एक मेडिसिन है, ये लीवर का बढ़िया काम करता है, लीवर के लिए, लीवर और किडनी के लिए। किडनी के लिए तो मैं पहली पहले वीडियो में दिखा दिया कि किडनी के लिए स्पेशल मैं एक मेडिसिन देता हूँ, वो नेफ्रो की आर, ये टॉक्सोल दे रहा हूँ मैं बेसिकली वो लीवर के लिए, ठीक है। तो इसमें विटामिन B12 भी है, मतलब उसका जो एवरेज ग्रोथ है वो ठीक ही रहेगा। और हम लोगों को पता है कि एवरेज ग्रोथ हम लोगों को करना चाहिए, मतलब कोई भी मेडिसिन दे उसमें मेडिसिन का असर ऐसा ना हो कि उसका जो बॉडी वेट है वो घट जाए, ठीक है। और साथों साथ बोल देता हूँ, लीटर रैकिंग मैं अभी 2 टाइम का कर रहा हूँ, क्योंकि लीटर रैकिंग अभी चिक्स जो है वो बीट ज़्यादा करता है, ठीक है। तो बीट के ऊपर वो पड़ा रहेगा तो उसमें उसका जो हेल्थ है, हेल्थ थोड़ा सा घट जाता है। तो इसलिए मैं अभी लीटर रैकिंग 2 टाइम का कर रहा हूँ। वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया, आप तो देख ही सकते हैं, फीडर में मैं फीड काम करके दे रहा हूँ तो वो भी तो आप देख सकते हैं। और चिक्स का एवरेज ग्रोथ आप एक बार देख लीजिए, वो बढ़िया ही चल रहा है, ठीक है। तो दोस्त, मैं इसी के साथ ही जो मेरा वीडियो है ये समाप्त कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री भाइनर को ये सूचना मेरा मिल सके। मेरे चैनल पर अगर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जाके वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा मदद मिल सके। जय हिंद।